हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से देखिए। कह रहा है कि इफ वाई इक्वल टू में ए एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस बी एक्स का पावर माइनस एन एंड एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू में लेमडा वाई देन राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा। चलिए देखते हैं इसको, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा और पावर में से घटेगा ना जी। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी पावर नीचे आ गया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए एन इंटू एन प्लस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, पावर नीचे आ गया पावर में से घट गया, प्लस बी इंटू माइनस एन इंटू में माइनस एन माइनस वन एक्स का पावर माइनस एन माइनस टू हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वह इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए तो ये आ जाएगा हम लोग n इंटू में n प्लस वन को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा a x का पावर n माइनस वन और प्लस ये देखो मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस या माइनस इसमें कॉमन हो जाएगा तो यही वाला चीज आ जाएगा, तो बच जाएगा b x का पावर माइनस एन माइनस का टू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इंटू में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना लेमडा इंटू वाई के इक्वल है, इन्हें कह रहा जी लेमडा इंटू वाई के इक्वल है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू में एन इंटू एन प्लस वन इंटू में ये वाला टर्म ए एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस बी एक्स का पावर माइनस एन माइनस का टू इक्वल टू में लेमडा इंटू में वाई का वैल्यू क्या है ए एक्स का पावर एन प्लस वन और प्लस में बी एक्स का पावर माइनस का एन, ए दिया हुआ है। चलिए ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एन इंटू में एन प्लस वन इंटू हो जाएगा आपका ए एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस बी एक्स का पावर माइनस एन इक्वल टू में लेमडा ए एक्स का पावर एन प्लस वन और प्लस में बी एक्स का पावर माइनस एन, इससे ये वाला टर्म कट जाएगा तो यहाँ से एन इंटू में एन प्लस वन आ जाएगा लेमडा का वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। इफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या दिया हुआ है ए कॉस एन टी माइनस बी साइन एन टी और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है टी के रेस्पेक्ट में जो है लेमडा एक्स के इक्वल है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। चलिए देखते हैं इसको, इन दोनों को इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले कैसे, तो विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स बाई में डी टी, ए कॉस का माइनस का साइन हो जाएगा और एन टी का एन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर बी कॉस एन टी और एन का एन हो, एन टी का एन हो जाएगा। अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन का कॉस आ जाएगा ना और एन टी का एन, तो आ जाएगा माइनस का ए एन स्क्वायर कॉस एन टी और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का बी एन स्क्वायर साइन एन टी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसमें एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर, क्या चीज का माइनस का एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां बच जाएगा आपका ए कॉस एन टी और माइनस का बी साइन एन टी, तो एक्चुअल में किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, ये आपका एक्स का ही ना वैल्यू है, यहां पर देख लीजिए तो ये एक्स का वैल्यू है। तो अब हमारे पास ऊपर हमारे पास दिया है जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है टी के रेस्पेक्ट में एक्स का, वह किसके इक्वल में है, तो वह आपके लेमडा एक्स के इक्वल में है, देख लीजिए आप ऊपर लेमडा एक्स है ना जी। चलिए तो अब देखिए इसका वैल्यू जो है यहाँ पे
इसका वैल्यू हमने निकाला है माइनस का एन स्क्वायर एक्स, और इधर है आपका लेमडा एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा लेमडा का वैल्यू, समझ गए। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, यहाँ पर दिया है कि इफ एक्स इक्वल टू में टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू में टी क्यूब, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी टू टी, अरे यहाँ डी वाई बाई डी टी थ्री टी स्क्वायर। अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी और वाई में यहाँ पे डी एक्स बाई में डी टी, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर और वाई में टू टी, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, चलिए, और यहाँ डी टी से डी टी, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा थ्री बाई टू टी, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, यही ना निकालना है हमें, थ्री बाई टू डी टी बाई में डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स देखिए क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, ऊपर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी दिया है टू टी, तो यहाँ आ जाएगा आपका वन बाई टू टी डी टी बाई डी एक्स का, यानी आ जाएगा थ्री बाई में फोर टी आपका आंसर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इफ एक्स इक्वल टू में है टू ए टी एंड वाई इक्वल टू में है ए टी स्क्वायर, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, देन डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू टू, चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ से आपका हो जाना है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में टू ए इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ पर डी वाई बाई डी टी जो हो जाएगा वह टू ए टी हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड कर देते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी और नीचे है आपका डी एक्स बाई में डी टी, ये आपका आ जाएगा टू ए टी और बाई में टू ए, टू ए से टू ए कैंसिल, डी टी से डी टी हटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में टी, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए अब देखते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना डी टी बाई में डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी टू ए, तो ये आपका वन बाई टू ए हो जाएगा, तो ये वन बाई टू आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें कितना पर निकाला एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो इसमें एक्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर भी यही वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो जाएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वन बाई टू ए ही रहेगा, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइव नंबर, इफ एक्स इक्वल टू में एफ टी एंड y इक्वल टू में जी टी, देन राइट द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में एफ डैश टी इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में जी डैश टी इक्वेशन सेकेंड, अब इसमें इसे डिवाइड करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और बाई में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में जी डैश टी और बाई में एफ डैश टी, चलिए अब यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा आपका आ जाएगा जी डैश टी और बाई में एफ डैश टी, अब फिर इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा ना जी, चलिए अब यू वाई वी पे है, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो एफ डैश टी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जी डबल डैश टी, अच्छा, और टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन करना होगा ना जी, टी का डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा यहाँ पर
डी टी वाई में डी एक्स, फिर एफ डैश टी उसी तरह लिख देंगे, फिर माइनस देके जी डैश टी को ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो एफ डबल डैश टी और इनटू में ये आपका हो जाएगा डी टी बाई में डी एक्स। अब इसके बाद देखिए डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो डी एक्स बाई डी टी एफ डैश टी चाहता, तो ये 1 बाई एफ डैश टी हो जाएगा। चलिए जी डबल डैश टी 1 बाई एफ डैश टी इनटू में एफ डैश टी माइनस जी डैश टी एफ डबल डैश टी इंटू में 1 बाई एफ डैश टी, और बाई में नीचे है आपका एफ डैश टी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एफ डैश टी ऊपर आ जाएगा जी डबल डैश टी माइन इंटू में एफ डैश टी माइनस जी डैश टी और इंटू में एफ डबल डैश टी, और बाई में नीचे जो है इसके एफ डैश टी का स्क्वायर। ये क्यूब हो जाएगा इसके साथ जब जाएगा, ये मेन फ्रैक्शन ये वाला है ना, तो आ जाएगा यहाँ पर जी डबल डैश टी इंटू एफ डैश टी माइनस का जी डैश टी इंटू में एफ डबल डैश टी बाई में एफ डैश टी का क्यूब कर देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ वाई वाई इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है 1 - x + x² / 2 का फैक्टोरियल माइनस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल। इस तरह से कहाँ तक दिया हुआ है? इन्फिनिटी तक। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है वाई के टर्म में, तो पहले से 2 बार डिफ्रेंशिएट तो करो, देखिए क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 0 - 1, देखिए 2x/2 का फैक्टोरियल, 3x² / 3 का फैक्टोरियल, 4x³/4 का फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे टर्म दिया है इन्फिनिटी तक। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस में x/1 का फैक्टोरियल, या 1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस x² / में नीचे 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, x³/3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। अब फिर अगर इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो जाएगा 0 या +1 या -2x/2 का फैक्टोरियल प्लस 3x² / 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से ये टर्म चलेगा इन्फिनिटी तक। अब फिर अगर आप इनको देखोगे तो उस क्वेश्चन वाला ही फिर से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, 1 माइनस का यहाँ एक्स बचेगा, x² / 2 का फैक्टोरियल माइनस x³/3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से सब टर्म आ जाएंगे इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि ये देखो एक्चुअल में किसका वैल्यू दिख रहा है, ये वाई का ही ना वैल्यू दिख रहा है, देख लो क्वेश्चन ही है सेम टू सेम। चलिए तो ये वाई के इक्वल हो जाएगा, समझ गए, हमने ये दिखा दिया। हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि इफ वाई इक्वल टू में x + c⁻ देन फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा उल्टा करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इसके y के, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका dx/dy, इधर e⁻ इंटू में dx/dy। यहाँ पर dx/dy कॉमन कर देते, तो 1 = में आ जाएगा 1 + e⁻ इंटू में dx/dy। तो यहाँ से हो जाएगा आपका dx/dy इक्वल टू में 1/1 + e⁻। चलिए अब इसके बाद इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आ जाएगा d²x/ में dy² इक्वल टू में नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 1 का डेरिवेटिव y के 0 इंटू में ये नीचे वाला रह जाएगा, माइनस देखे ऊपर वाले को ऐसे रख के नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और e⁻ का e⁻ और y का यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी x का हो जाएगा dx/ में dy। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये तो 0 हो गए, इसको ने कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस का e⁻ इंटू में dx/dy, तो dx/dy क्या होगा, तो हम लोग ऊपर देखिए dx/dy निकाले हुए हैं,
डी एक्स बाई डी वाई कहाँ गया, ये रहा, इसको रख देते हैं यहाँ पर, वन प्लस वन वन बाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स, और बाई में नीचे वन प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स बाई में, ये क्यूब हो जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर एक्स का क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इफ वाई कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है मोड एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलिए, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 0 टू 1 के बीच में देखें, 0 टू 1 के बीच में ये जो होगा आपका यहाँ पॉजिटिव होगा मोड में, x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एंड अगर हम लोग 1 से ग्रेटर ले x का वैल्यू या फिर 0 से लेस देन लें तो ये आपका निगेटिव मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसके लिए हो जाएगा वन माइनस का टू एक्स, एक्स जीरो टू वन के बीच लगेगा, और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस टू एक्स माइनस का, ये भी यहाँ एक्स जो होगा वन से ग्रेटर होगा या फिर जीरो से लेस देन होगा। चलिए, अब इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू एक्स लाई करेगा जीरो से वन के बीच, एंड ये प्लस का टू हो जाएगा ना यहाँ पे, चलिए एक्स जो होगा जीरो से ग्रेटर टू वन से ग्रेटर होगा या जीरो से लेस देन होगा, ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ वाई इक्वल टू में दिया है मोड ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर हम लोग जीरो टू वन के बीच में देखेंगे तो जीरो टू वन के बीच में ये निगेटिव में होगा, एंड अगर हम लोग वन से ग्रेटर के लिए बात करें लॉग लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे देखिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा आ जाएगा माइनस का वन बाई एक्स, और एक्स लाई बिटवीन जीरो टू वन, यहाँ पे लॉग एक्स का वन बाई एक्स, और जहाँ एक्स लाई करेगा वन से ग्रेटर के लिए। फिर से अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना हो तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव में वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा निगेटिव में वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स लाई बिटवीन जीरो टू वन, और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उनको देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।